सभी के इस नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ओके दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है हमारा बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। ओके तो इस टॉपिक का एक तरीके से और पूरा नाम है तो वो है हमारा बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड एंट्रोपी रिलेशन, क्योंकि जो बोल्ट्जमैन आगे दिख रहा है वहां पर हमारा बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है और इस रिलेशन को हमारे बोल्ट्जमैन सर ने फाइंड किया था, इसलिए हम इसको बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट तक देखिए और इसके बाद लाइक डिसलाइक का डिसीजन लीजिएगा। ओके तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो प्लीज बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में रोज मैक्सिमम दो वीडियोज अपलोड करता हूँ जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उससे ये मैच करते हैं। ओके तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बता देता हूं, मैं एमएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं और मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसीलिए मैं फिजिक्स से सारे जितने भी ब्रांचेस हैं उन सबको क्लियर कराने की कोशिश करता हूं। और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेज नहीं जा पाते किसी मुश्किल से, किसी प्रॉब्लम से क्लास अटेंड नहीं कर पाते और बड़े से बड़े लेक्चर मिस कर जाते हैं। ओके तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ अच्छा करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। ओके तो हमने ये चैनल स्टार्ट किया। ओके तो दोस्तों मैं इस पे वीडियोस अपलोड करता है तो आप लोगों को मैक्सिमम दो वीडियोस मिल सकती है रोज डेली। ओके तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को और इस टॉपिक का नाम है हमारा बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। तो दोस्तों मेरा नाम है राज राय, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। सो लेट्स डू इट। दोस्तों जब कोई भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ठीक है, तो उस दौरान एक स्टेट से दूसरे स्टेट के जाने के दौरान उसमें ना कोई एनर्जी वहां एंटर करती है और ना ही उस सिस्टम को छोड़ती है, तो उसको हम एडियाबेटिक चेंज बोलते हैं। ओके अब आगे देखते हैं तो हम एंट्रोपी के एक और नाम से जानते हैं, तो वो है हमारा डिसऑर्डर। अगर किसी भी सिस्टम में सपोज बहुत सारे असेंबलीज, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके अंदर अगर असेंबली में अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है तो उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। ओके तो फाइनली हमारे एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में एक रिलेशन हमारे सर थे, हमारे बोल्ट्जमैन सर, उन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया था जिसको हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बता देता हूं, जो हमारी एंट्रोपी होता है थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी है और जो हमारी प्रोबेबिलिटी है एक स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों जो टर्म यूज हो रहे हैं, मतलब ये थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, जो ये रूल है हमारा स्टैटिस्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए देखते हैं इस रूल को कैसे हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक कैसे प्रूव करते हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया एंट्रोपी क्या होती है हमारी, फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद इसके बीच में जो रिलेशन हमने फाइंड किया था उसको बोल्ट्जमैन ने फाइंड किया था, इसलिए उसको बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन बोला जाता है। ओके तो दोस्तों जैसा कि आगे हम देखते हैं तो एंट्रोपी को किसे डिनोट करते हैं, तो एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ओमेगा। ओके तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी में रिलेशन होता है एस इज इक्वल टू एफ ओमेगा। ओके मतलब जो हमारा एंट्रोपी होगा हमारा प्रोबेबिलिटी का एक फंक्शन होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सपोज इसको मैं इक्वेशन वन ले रहा हूं, आगे देखते हैं तो सपोज हम कर रहे हैं कि हमारे पास दो सिस्टम है ए एंड बी, ठीक है, सपोज ये दो सिस्टम में कंसीडर कर रहा हूं ए एंड बी, ठीक है, इसकी एंट्रोपी मैं ले रहा हूं एस वन, इसकी एस टू, इसकी प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं ओमेगा वन, इसमें जो पार्टिकल्स फाइंड होंगे उसकी ओमेगा टू, ठीक है। अब इन दोनों सिस्टम को मैं कंबाइन कर रहा हूं बारी बारी से, तो पहला जो होगा टोटल जो होगा एंट्रोपी होगा एस इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू। तो यहाँ पे जो नेचर है दोस्तों एंट्रोपी का, तो वो एक एडिटिव नेचर होता है, ठीक है, तो एडिटिव इन नेचर, इसलिए यहां पे एस इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू आया। ओके और फिर जब एक बार और कंबाइन कर रहे हैं सिस्टम को तो फाइनल जो हमारा प्रोबेबिलिटी आता है वो है हमारा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा वन ओमेगा टू। अब यहां पर कंफ्यूजन हो रही है दोस्तों कि इसको मैंने एडिटिव लिखा, इसको मैंने मल्टीप्लिकेटिव लिखा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बता दूं, जो मैथमेटिक्स में भी आप देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमेशा मल्टीप्लिकेटिव नेचर में होती है। ओके तो मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर,
ओके अब यहां पे हमारे पास एक रिलेशन दो रिलेशन सपोज वन टू थ्री एक दो तीन रिलेशन हमारे पास आ गए। ओके तो अब बात करते हैं अपने रिलेशंस के बारे में, अब किसको कैसे कंबाइन कर एक और हमारे पास एक नया तरीके से हम अपने इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या चीज है दोस्तों, सपोज s इज इक्वल टू मेरे पास s1 + s2 है, ठीक है, तो f ओमेगा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा s1 + s2। ओके अब हम देख रहे हैं ओमेगा इज इक्वल टू हमारा क्या है ओमेगा 1 * ओमेगा 2, ठीक है, तो अब आगे देखते हैं दोस्तों s1 + s2 यहां पे था s इज इक्वल टू f ओमेगा, तो जब s1 और s2 को हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा f ओमेगा 1 + f ओमेगा 2। ओके आई थिंक आपका जो रिलेशन है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने किया क्या दोस्तों, सपोज s इक्वल टू f ओमेगा होता है, फिर हमने दो सिस्टम लिया a और b, s1 s2 उसकी एंट्रोपीज हो जाएगी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 उसकी प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी। ओके तो जब हम उस सिस्टम को कंबाइन कर रहे हैं तो एंट्रोपीज होगी वो एडिटिव नेचर में होती है s इक्वल टू s1 + s2, और जो हमारी प्रोबेबिलिटीज होती है वो दोस्तों मल्टीप्लिकेटिव नेचर में होती है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के रूल है, ठीक है, तो ओमेगा = ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये तो रिलेशन हो गया और ये ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसी में हम इस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो फाइनली हम ये ला सकते हैं। ओके तो दोस्तों अभी हमने जो रिलेशन फाइंड किया था f ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू f ओमेगा 1 प्लस f ओमेगा 2, ठीक है, तो इस रिलेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को कॉन्स्टेंट रख देना है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा 1 तो कट जाएगा और ओमेगा 2 हमारे पास बचेगा, ठीक है, और इस फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा हमारा f डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2। दोस्तों यहां पे जो डैश है ये हमारा डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे बात करते हैं दोस्तों ये वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा इस टर्म का डिफरेंशिएशन, तो f डैश ओमेगा 1, ओके यहां से एक रिलेशन सपोज मॉल कर ले, फिर अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा 2, यहां पे ओमेगा 1 को कांस्टेंट रख ले रहे हैं, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओके यहां पे सेम टू सेम रिलेशन यहां पे भी आ सकता है, सपोज बस यहां पे डिफरेंस ये होगा कि ओमेगा 1 f डैश ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, और यहां पे हमारा f डैश ओमेगा 2 यहां पे 2, तो दोस्तों इसमें हम इस इक्वेशन से डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई वन या फिर कोई भी कर सकते हैं, तो इसमें हम आप डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ओमेगा वन एफ डैश ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू एफ डैश ओमेगा टू अपॉन इक्वेशन वन क्या है दोस्तों ओमेगा टू एफ डैश ओमेगा वन ओमेगा टू अपॉन वही सेम टू सेम चीज हो जाएगी दोस्तों हमारा यहां पे एफ डैश ओमेगा 1, ओके तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो f डैश ओमेगा 1 इज इक्वल टू इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू सेम यही ओमेगा 2 f डैश ओमेगा 2, ये दोस्तों ओमेगा 1 f डैश ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 f डैश ओमेगा 2, अगर इन जनरल यहां पे देखा जाए तो हम अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू बता सकते हैं, तो ओमेगा 3 f डैश ओमेगा 3 ऐसे डैश डैश इज इक्वल टू k तक k कांस्टेंट तक, ठीक है, तो दोस्तों अभी जो रिलेशन आया था हमारा ओमेगा 1 f डैश ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 f डैश ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 f डैश ओमेगा 3 इज इक्वल टू डैश 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 इज इक्वल टू k कोई कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। ओके अब यहां से एक वैल्यू लेके कैसे कर सकते हैं ओमेगा 1 f डैश f ओमेगा 1 इज इक्वल टू k, ठीक है, तो यहां से हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं f डैश ओमेगा 1 इज इक्वल टू k अपॉन ओमेगा 1, ठीक है, तो दोस्तों हम यहां से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सपोज ये ऑलरेडी डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सेम टू सेम उतर जाएगी, मतलब डिफरेंशिएशन वाला टर्म हट जाएगा डैश हट जाके बस यहां पे f ओमेगा 1 इज इक्वल टू कि तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, अब 1 अपॉन ओमेगा 1 और इसी के रिस्पेक्ट हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमारा लॉग ओमेगा 1 हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है, दोस्तों आप लोगों को पता है जैसे 1 अपॉन एक्स का
अगर इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में dx, तो यहां पे हमारा log x का टर्म आता है, ठीक है, तो इज इक्वल टू log x होता है। वैसे ही हमें 1 अपॉन ओमेगा 1 इसका रिस्पेक्ट में करना है, तो दोस्तों हमारा log ओमेगा 1 आएगा। ऐसे ही अगर f ओमेगा 2 इज इक्वल टू तो k log ओमेगा 2 + c, ऐसे ही f ओमेगा 3 इज इक्वल टू k log ओमेगा 3 + c। ओके, तो c इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है हमारे इस c इज इक्वल टू कांस्टेंट को हमें एक्सप्लेन करने की, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो दोस्तों हमारे पास एक ही मैनर है कि इस पूरे इक्वेशन को हम सपोज करें कि परफेक्ट ऑर्डर में कब हो सकता है। तो परफेक्ट ऑर्डर में होने के लिए हमारे पास s इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा और ओमेगा इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, तब हमारा कोई भी सिस्टम परफेक्ट ऑर्डर में हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं इस वाला जो इक्वेशन था, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जनरल में कैसे लिख सकते हैं, k log ओमेगा प्लस c, ठीक है। तो परफेक्ट ऑर्डर के लिए जब इसमें हम पुटिंग कर रहे हैं s इक्वल टू 0 और ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो दोस्तों हमारे पास क्या आ रहा है, सपोज इसके इक्वल टू s भी होता है, ठीक है, तो s इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू k log 1 प्लस c, तो यहां से हमारी c की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। तो हम यहां पे अब f ओमेगा और k log ओमेगा प्लस 0 और s, ठीक है, तो s इज इक्वल टू हमारा k log ओमेगा आ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन, ओके, यहां पे s इज इक्वल टू एंट्रोपी, k इज इक्वल बोल्ट्जमान कांस्टेंट और ओमेगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, तो ये तीनों रिलेशन हमें बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन के नाम से जानी जाती है और हमें ये रिलेशन फाइंड होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस पूरे रिलेशन में, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए कि यहाँ पे डाउट है, ठीक है, मैं इसको जरूर ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों कहीं भी लगता है कि मैंने गलत किया है, कुछ और अच्छा करना चाहिए था, ये चीज को मैंने गलत बताया, तो प्लीज आप सजेशन भी दीजिए कि जिससे मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।